हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। करवा चौथ व्रत 2023 शुभ मुहूर्त पूजा विधि चंद्र दर्शन का समय। करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सभी बड़े व्रतों में से एक है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए पूरा दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा विधिवत व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। आज हम आपको 2023 में करवा चौथ व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। करवा चौथ व्रत शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 1 नवंबर सायंकाल 5:36 से 6:54 तक। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:15। करवा चौथ व्रत पूजा विधि। करवा चौथ के दिन व्रती महिला को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सास द्वारा दी हुई सरगी ग्रहण करें। मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत की शुरुआत सरगी से होकर रात्रि चंद्र पूजन के बाद ही व्रत का समापन किया जाता है। सरगी करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ग्रहण किया जाने वाला भोजन है जो महिलाओं को उनकी सास द्वारा दिया जाता है। सुहागन महिलाएं सास द्वारा दी सरगी को सूर्योदय से पूर्व प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर पूजा स्थल में कलश की स्थापना करें। पूजा स्थल पर एक लोटे में जल रखें। अब गेरू व पिसे हुए चावलों के घोल से करवा का चित्र बनाकर भगवान गणेश जी, माँ गौरी और भगवान शिव की मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। अब विधिवत सभी की पूजा कर उन्हें सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। पूजा में माँ को सुहाग का सामान अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ें और अंत में सभी की आरती कर लोटे का जल सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद छलनी से चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य लेकर धूप दीप जलाकर प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद पति का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। करवा चौथ व्रत के नियम। मान्यता अनुसार इस व्रत को निर्जल रखने का विधान है, लेकिन आप पहले ही व्रत से अपनी सामर्थ्य अनुसार फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। आज के दिन चंद्रमा को सीधे ना देखते हुए छलनी से ही चंद्र दर्शन करने चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा करना चाहिए। शाम को चंद्रोदय से करीब 1 घंटा पहले शिव परिवार की पूजा कर व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत में मेहंदी व 16 श्रृंगार करने का भी नियम है। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।